मां की हत्या के प्रयास में एक बेटे पर पुलिस चौकी वादेबी में मुकदमा दर्ज हुआ है। ग्राम पंचायत दरव्याग के हिम्मर गांव में कलयुगी बेटे ने जानलेवा हमला करते हुए मां को लहूलुहान कर दिया है। घायल महिला को तुरंत उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में भर्ती करवाया गया। आरोपी की पहचान मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय विजय कुमार के रूप में हुई है। आरोपी युवक ने मंगलवार रात करीब 10:15 बजे अपनी मां सुरेशा देवी पर चाकू, दराटी और हथौड़े से वार कर दिया। एक घंटे तक वह अपनी मां को पीटता रहा। मां की चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी ने शोर मचाया और पुलिस चौकी अवाह देवी को सूचित किया। लोगों की शोर मचाने व पुलिस के आने का आभास होते ही मनोज कुमार अपनी पिकअप गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। वह अपनी मां से पैसे की मांग कर रहा था। मना करने पर उसने मां के शरीर पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के टूट जाने के बाद उसने दराटी और हथौड़े से सिर पर वार कर दिया। आरोपी को थाना भोरिंस के SHO मुकेश कुमार की अगुवाई में हेड कांस्टेबल संजय कुमार ने जोलसप्पड से गिरफ्तार किया है, जहां से अब पुलिस आरोपी युवक को न्यायालय में पेश करेगी। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने कहा कि पुलिस ने आरोपी युवक मनोज कुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास के संदर्भ में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ये गांव हिम्मर की घटना है, जिसमें एक लड़के जो कि अक्यूज्ड है मनोज कुमार, उसने अपनी मां पे चाकू से वार किया और जो पीड़ित है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गांव वालों ने, और जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया, जिसे कि बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 28 तारीख की घटना है और पुलिस ने इसमें 307 के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।